गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बड़ा ही सिंपल सा लंच बना रही हूँ। माई फ्रेंड इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो उसके लिए खाना भेज रही हूँ। तो एक दाल तड़का बनाऊँगी आज, जो मलका दाल, जो रेड मसूर दाल, या मैं जैसे माँ की दाल बोलते हैं, तो वो वाली बनाएंगे थोड़ी तड़के के साथ। देखें कैसे बनती है। सो ये वाली जो मलका दाल या माँ की दाल जिसे मैं बोलती हूँ, या आप मसूर दाल या किसी भी नाम से बोलिए, ये वाली दाल आज मैंने यूज़ की है। मैंने करीब एक कप दाल भिगोई है। द बेस्ट पार्ट अबाउट इंडियन कुकिंग इज़ आपको ज़्यादा मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, स्वाद अनुसार सब कुछ आप डालिए, बहुत ही बढ़िया बनेगा। सो मैंने ये दाल ना बहुत जल्दी कुक हो जाती है, मैंने इसको धो के थोड़े से पानी में एक घंटे भिगो दिया, मतलब काम चल रहा था तो भिगो दिया, और ये एक सीटी में देखिए कितने अच्छे से पक चुकी है। हल्का हल्का इसमें मुँह में क्रंच है, क्योंकि अब मैं दूसरे तड़के में पकाऊंगी, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा रख लिया था। सो अब हम करते हैं दाल बनाने की तैयारी। ये मैं अपनी हांडी ले रही हूँ, मैंने इसे गरम कर रखा है, इसमें थोड़ा सा तेल डाल रखा है, और ये मैंने फाइनली चॉप करके रखे हैं। एक सेकेंड, लॉट ऑफ धूप कमिंग। ये मैंने फाइनली चॉप करके रखा है, एक प्याज, थोड़ी सी हल्दी, अदरक और थोड़ा सा लहसुन। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। पहले हम सबसे पहले इसमें डालेंगे जीरा। सो ये मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, जितनी आपको पसंद हो उतनी, थोड़ा सा जीरा। और अब ये जो हमारे बारीक कटे हुए प्याज, जिंजर, गार्लिक और हल्दी है, आप चाहें तो हरी मिर्च भी मिला सकते हैं, पर सेम रीज़न बच्चों ने खाना है इसलिए मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ। ये हम सारा डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ मेरे पास कुछ कड़ी पत्ते हैं, मैं वो भी डाल रही हूँ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं कड़ी पत्ते इस दाल को। सो अब मैं जो है स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दूंगी, जितना दाल के लिए चाहिए उतना, इसलिए ताकि नमक तो डालना ही है, पर ये जो हमारे प्याज है ना, ये अब थोड़ा जल्दी कुक हो जाएंगे। मैं इन्हें थोड़ा से ब्राउन कर रही हूँ ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए दाल में। सो प्याज जो है काफ़ी अच्छे से कुक हो गए। अब मैं इस पे एक टमाटर बारीक कट करके डाल दिया मैंने, और इसे भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, हालांकि हल्दी है फ्रेश वाली, फिर भी थोड़ी सी मैं हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च, बिल्कुल मामूली सा धनिया, और ये थोड़ा सा सेंधा नमक जो फ्लेवर देगा दाल को बढ़िया सा। अच्छे से हम इन्हें मिला लेते हैं, और मैं इसे ढक दे के कुक करूंगी जब तक ये टमाटर जो है ना गल नहीं जाए। एंड दिस विल टेक अराउंड 3 to 4 minutes, नॉट मच टाइम, क्योंकि नमक डाला हुआ है तो टमाटर बड़ी फटाफट गल जाएगी। सो टमाटर जो है हमारी बढ़िया सी गल गई है। जब भी आप हांडी में पकाएं ना, धीमी आंच पर पकाएं, तेज आंच पर पकाएंगे ना तो वो काली होकर जल जाएगी। चाहे आप स्टील में बना रहे हों या जो भी चीज़ें बनाएं, धीमी आंच पे बनाया हुआ खाना ना ठीक रहता है, फुल में ना वो सिर्फ जलता है और कच्चा रह जाता है। तो ये मैं सारी दाल डाल देती हूँ। डाल लेते हैं थोड़ा सा, मैं अब इसमें डालूंगी पानी, क्योंकि दाल काफी गाढ़ी है। सो अब ये मैं थोड़ी सी देर ढक के दाल को पकने दूंगी ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं वो अब्जर्व कर ले। इन द मीन टाइम मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ अपना तड़का पैन, ताकि इसमें हम बढ़िया सा एक तड़का लगा सकें। सो मैंने तड़का लगाने के लिए घी गरम किया है यहाँ पे, थोड़ा सा ज़्यादा। ये मैं दोबारा हींग डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स अप टू यू, आप चाहें तो मत डालिए। जीरा अच्छे से हम उसे तड़कने देंगे। इन द मीन टाइम दाल को आप एक दो बार हिला सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप इस दाल में गरम मसाले भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर है। मैं टेढ़ा कर ले रही ताकि आप देख सकें। सो ये जो जीरा है काफ़ी अच्छे से चटक गया है घी में,
अब मैं थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि मैं बढ़िया सा एक रेड कलर का तड़का चाहिए मुझे। ये हम इसमें डालेंगे और डालने के साथ ही तुरंत दाल पे डाल देना है, नहीं तो क्या होगा कि आपकी जो मिर्चें हैं ना वो जल जाएगी। लवली। अब देखिए, आई होप यू गाइस कैन सी, ये देखिए कितना बढ़िया सा तड़का लग रहा है दाल के ऊपर। और अगर आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा मैं धनिया डाल देती हूँ। पता नहीं यार। और दिस इज रेडी टू बी सर्व्ड। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।